तो वेलकम फूडी, आज हम आपको लेके आए हैं बहुत सारे शेक्स ट्राई कराने के लिए। जिसे मिलते हैं उनके शेक ट्राई करते हैं। अंकल जी आपका नाम क्या है? अरविंद। अंकल जी आपकी एज कितनी है? मेरी एज 54 साल। 54 ईयर्स। और अंकल जी शेक कौन कौन से मिलते हैं आपके यहाँ पे? मैंगो शेक मिलता है, बनाना शेक मिलता है, पपाया शेक मिलता है, शिकंजी मिलता है। और प्राइस क्या क्या होगा अंकल जी? 30। सबका 30 प्राइस है, सिर्फ शिकंजी का 25 है। तो अंकल जी हमारे लिए मिक्स वाला शेक बना दो। अंकल जी बताते रहना क्या क्या डाल रहे हो। ये बनाना डाल रहे हैं। अच्छा, मिक्स वाले में सब चीज़ आएगी। ये पपाया डाल रहे हैं। पपाया, ये सब फ्रूट आप अंकल जी पहले रेडी करके रखते हो पहले से? ये मैंगो पल्प। मैंगो पल्प, अच्छा ये भी आपने बना के रखा हुआ है? ये आता ही रेडीमेड आता है। अच्छा, रेडीमेड आता है। मैंगो पल्प आ गया। ये मिल्क, ये दूध, ये अमूल वाला दूध है अंकल जी? जी। अब ये स्वीट चीनी। तो अंकल जी ऐसा आपने मतलब क्या सोचा जो इस उम्र में भी आप काम कर रहे हैं? सर कुछ घर की परेशानी में ऐसी होती है, जब काम करना पड़ता है क्या करेगा। अच्छा, और बच्चे बच्चे कितने अंकल जी आपके? दो लड़की, एक लड़का है, लड़का जरा थोड़ा ऐसी है, काम नहीं कर सकता। अच्छा अच्छा, तो हमारा शेक रेडी हो रहा है। मिक्स वाला है ना अंकल जी? मिक्स वाला। तो गाइस हमारा शेक ये रेडी हो चुका है, मिक्स फ्रूट शेक अंकल जी। ये हमारा शेक आ गया। ये चेरी डाल दो? सब कुछ डाल दूंगा जी, जो आप डालना चाहते हो। चेरी आ गई है। ये क्या चीज़ है जी? ये पपीते का लच्छा। पपीते का लच्छा, ये रेडी हो गया। रेडी हो गया। तो गाइस अगर आप मेरठ में रहते हैं तो अंकल जी स्टॉल लगाते हैं। अंकल जी एड्रेस क्या होगा स्टॉल का आपके? सर ये मंगल पांडे नगर होता है। मंगल पांडे नगर, यूनिवर्सिटी के सामने। मैं एक बार आपको लोकेशन बता देता हूँ। ये यूनिवर्सिटी रोड है, ये यूनिवर्सिटी आएगी लेफ्ट हैंड साइड पे, और ये राइट साइड पे शास्त्री नगर है ना। हाँ, और यूनिवर्सिटी के बिल्कुल सामने ही अंकल जी का स्टॉल लगता है। कुछ नाम नहीं है स्टॉल का, मैं स्टॉल का नाम स्टॉल दिखा देता हूँ आपको, जूस एंड शेक कॉर्नर। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप लोग आएँ और अंकल जी के शेक्स ट्राई करें, तो हो सकता है थोड़ी अंकल जी की हम हेल्प कर पाए कि इस एज में भी, 54 ईयर की एज में भी अंकल जी काम कर रहे हैं। तो प्लीज़ आइए और अंकल जी को सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।